बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? अभी हम 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.5 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने डिस्कस किया उसके अंदर मैट्रिक्स मेथड को। अब मैं इसमें डिस्कस करूँगा आपसे क्रैमर्स रूल। ओके, वी नो दैट कि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के टू मैथड्स हैं। एक मैथड को हमने कहा जी क्रैमर्स रूल, एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स मैथड। क्रैमर रूल मैट्रिक्स मेथड से भी आपने सॉल्व करना सीखा, इन्वर्स वगैरह कैलकुलेट किया लाइक दिस। अब क्रैमर एक मैथमेटिशियन है जिसने इसको मेथड को एक्सप्लेन किया, उसे कहते हैं क्रैमर मेथड। ठीक है बेटा, 7.5 बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x plus 5y equal to 9, 4x minus 2y equal to 1। हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बेटा? क्रैमर्स रूल। वही मेथड जो इससे पहले हमने डिस्कस किया वो मैट्रिक्स मेथड था। अब उसी इक्वेशन को हम जो सॉल्व करेंगे इस रूल के मुताबिक, इसे कहेंगे क्रैमर्स रूल। देखिएगा बेटा, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फार्मूला बना लेते हैं लाइक दिस। मैंने इक्वेशन में लिखा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी तमाम कोफिशेंट, x का कोफिशेंट a1, y का कोफिशेंट b1, c इक्वल टू c1 कर दिया। नीचे वाली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशेंट को a2 सेकेंड है ना, इसलिए y के कोफिशेंट को b2 और इसे c2 हमने कहा। देखिए इसके इससे रिलेटेड हमने एक फार्मूला बनाया, कहते हैं कि हम इनके कोफिशेंट्स को सपोज करके डी डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डी डिटर्मिनेंट में चाहिए आपको a1 b1 a2 b2, यानी कि a1 किसकी वैल्यू रखी, a1 क्या है भाई जी 2, a2 क्या है बेटा 4, b1 क्या है 5, c1 क्या है हमारे पास, b2 क्या है हमारे पास -2। हम क्या करेंगे, जैसे कि पीछे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, इस डी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर आप गौर करें, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2, 4, 5, -2। अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए को डी से बी को सी से, यानी 2 × -2 5 × 4 ±2 2 4 5 4 20 −20 − 4 −24, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अगर ये 0 होता, सिंगुलर नॉट पॉसिबल, हमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए ये नॉन सिंगुलर होगा, इसलिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने से मुराद क्या है बेटा, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे इससे, ये तो सिंगुलर हो गया हमारे पास, अब हम बनाएंगे दूसरा डी एक्स डिटर्मिनेंट। डी एक्स बनाने में क्या होता है, a1 a2 की जगह लिख देते हैं c1 c2, बात समझे? जैसे हमारे पास पहले यहाँ पे क्या था, a1 a2 b1 b2, अब क्या होगा डी एक्स जब बनाएंगे तो c1 c2 a1 a के प्लेस पर आ जाएगा c1 c2 और b1 b2 ऐसे ही रहेगा। c1 की वैल्यू है 9 और c2 की वैल्यू 1, b1 b2 तो वैसे ही रहा 5 − 2, इसे हम कहेंगे डी एक्स डिटर्मिनेंट। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखें 9 × −2 करेंगे ±1, 9 × 2 = 18, 5 × 1 करेंगे 5 × 1 = 5, माइनस का दोनों माइनस के, तो आपका रिजल्ट हो गया −23। ये मालूम हो गया हमें डी एक्स डिटर्मिनेंट। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, हम एक और निकालेंगे, उसे हम कहेंगे डी वाई डिटर्मिनेंट, और डी वाई डिटर्मिनेंट के लिए फिर हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर डी वाई में a1 a2 फिक्स रहेगा, b1 b2 की जगह आ जाएगा c1 c2, ये चेंजिंग होती है क्रैमर्स रूल की। ये क्रैमर रूल ने बताया a1 a2 फिक्स रहेगा y के अंदर, तो y के प्लेस पर c1 c2 होगा, यानी x की वैल्यू 2, 4 रहे कोफिशेंट, और हमारे पास y की जगह पर c1 c2 यानी 9 और 1 की वैल्यू आ गई। क्रॉस से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट जैसे हम करते हैं, 2 × 1 − 4 × 9, 2 × 1 = 2 − 4 × 9 = 36, 36 में 2 को माइनस करेंगे देन वी गेट 34। डी वाई डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से डी एक्स और डी वाई हमें कैलकुलेट हुआ। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, क्रैमर ये कहता है अगर आपको x निकालना है तो डी एक्स डिटर्मिनेंट को d से डिवाइड करो। सेम ऐसे ही फार्मूला y का बनाया, अगर डी वाई मालूम करना है तो d से डिवाइड करो। ठीक है बेटा, डी एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर 23 माइनस का d का −24, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ये कैंसिल नहीं हो रहे, रिड्यूस हमने ऐसे ही रखा, इनको रिड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, डी वाई का आंसर अभी आपने निकाला −34, और डी वाई का वही दोनों माइनस कैंसिल, दोनों को 2 से हमने रिड्यूस किया, 12 × 17/12 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर आ गया 23/17 बाय द क्रैमर्स रूल। ओके, इसके अंदर ये क्रैमर्स रूल है, इसमें से डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही बेटा, मैं दोबारा ले रहा हूँ इक्वेशन एक और, देखें इसके अंदर आपके पास एक इक्वेशन है 8x − 4y = 2x + 2y = 4, मैं डी डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। अब देखिए डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, हमने देखें
a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख दी, यानी x के कोफिशियंट y के कोफिशियंट। अब थोड़ा सा मैं आपका स्टैंडर्ड हाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो बड़ी क्लासेस में होता है ना, अब वो a1 a2 वाले कॉन्सेप्ट को हम, सही है वो कॉन्सेप्ट भी है लेकिन उससे आगे भी तो सीख सकते हैं ना बेटा। x के कोफिशियंट y के कोफिशियंट हमने ले लिए, dx डिटर्मिनेंट बनाया। देखिए dx जब बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, dx डिटर्मिनेंट के अंदर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लिया, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 टू जो 16, माइनस प्लस 4, 1 जो 4, 16 और 4 दोनों को हमने प्लस किया 20, इसका आंसर जीरो नहीं है, ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए मैं इसके साथ ही आपको सिखाऊँ, अब मैं बना रहा हूँ दो डिटर्मिनेंट dx और dy, दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। dx बनाने के लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, जब हम dx बनाएंगे तो हम वेरी सिंपल, पहले मैंने आपको क्या कहा था x के प्लेस में क्या लेंगे बेटा c1 c2। अब यूँ समझ लें जब dx बनाएंगे तो x में चेंजिंग, जब dy बनाएंगे तो y में चेंजिंग, ठीक है। x के प्लेस को मैंने हाइट किया, ये किसके इक्वल है इक्वेशन में 2 4 के, देखें आप और से इक्वेशन में किसके इक्वल, इसको हाइट कर दिया, ये किसके इक्वल है 2 4। हमने क्या किया 2 4 की वैल्यू को x के प्लेस पे रखा, -4 -2 y ऐसे ही रहा। जब मैं dy डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो y की वैल्यू को हाइट कर दूंगा, y की 8 1 देखें ऐसे ही रहा, और y की जगह पे लिख दूंगा 2 4। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल, ये है छोटी सी बात। जब मैं d डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट लेंगे x y के, जब हम dx बनाएंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सुने, जब dx बनाएंगे तो x की वैल्यू को हाइट करके इसकी जगह पर ये किसकी इक्वल है आप गौर करें 2 4, जो भी इक्वल होगी वो वैल्यू 2 4 x के प्लेस पे रखा, y की वैल्यू हमारी ऐसे ही रही। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ dy, तो x की वैल्यू 8 1 देखें वैसे ही रखा, y के प्लेस पे मैं लिख दूंगा 2 4। इज इट क्लियर? ओके, अब हम dx डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखें बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जो 4, -4 4 जो 16, dx का आंसर आपके पास आ गया 20, ठीक है। अब हम dy के ऊपर आते हैं, dy डिटर्मिनेंट को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 4 जो 32, 2 1 जो 2, 32 में 2 को माइनस किया, माइनस का 30। अब देखें आपके पास d का आंसर 20, dx का आंसर भी 20 और dy का आंसर 30। अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, हम लिखेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक x इज इक्वल टू dx अपॉन dx, dx का आंसर 20 अपॉन 20, दोनों कैंसिल हो गए तो 1, और dy का क्या है बेटा 30 अपॉन 20, दोनों के 0 कैंसिल कर दिए 3 बाय 2। इस तरह x और y का आंसर निकल आया। अगर हम और करें, ये हमारा क्रैमर रूल है, क्या ख्याल है, बहुत सिंपल नहीं है? यानी एग्जाम में हमारे पास दोनों में से कोई एक मैथड आता है, सॉल्व बाय द क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मैथड। अगर चॉइस आए तो डेफिनेटली हम मैट्रिक्स मैथड को फॉलो करते हैं, और अगर चॉइस ना आए तो मैट्रिक्स मेथड क्या है तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर वो कहते हैं क्रैमर्स रूल तो देन वी डन इट बाय क्रैमर्स रूल। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बेटा, और इसकी मजीद आप प्रैक्टिस करें, इस तरह हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोनों मेथड के साथ, ठीक है बेटा। बहुत सारी विशेष, इन वीडियोस को बार बार सुने, और अगर इनकेस कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आए बेटा, उसको व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डिस्कस कर लें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।